हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेस्ट विथ हेल्दी ट्विस्ट। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए एक हेल्दी केक, जो हम बनाएंगे सूजी के साथ। और मैंगो का सीजन है तो हम मैंगो का भी यूज़ करेंगे। केक को हम बनाएंगे बिना मैदा, अंडा, ओवन, इनो और कंडेंस मिल्क। हमें इनमें से किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम बेसिक और ईजी सामान के साथ बनाने वाले हैं। इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज का अल्फोंसो मैंगो। आप किसी भी मैंगो का यूज कर सकते हैं। ब्लेंडर में लेते हैं 1.5 कप सूजी, इसमें जाएगा 1/2 कप दही, 3/4 कप मैंने चीनी ली हुई है, 1/2 कप तेल और मैंगो। इसमें जाएगा 1/2 कप दूध और सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। बैटर रेडी हो गया है, इसे बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इन सारी चीजों को 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसे रेस्ट करने के लिए 45 to 50 मिनट्स के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपने बर्तन को प्री हीट करते हैं। इसके लिए मैंने इसमें नमक डाला हुआ है। ये नमक आपको पता है मैं काफी बार पहले भी यूज कर चुकी हूँ। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और इसे प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम करते हैं मोल्ड को रेडी। मोल्ड में मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। इसके बाद मैं इसमें बटर पेपर का यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर से भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। तो मोल्ड भी रेडी हो गया है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। बैटर भी 45 मिनट्स के लिए रेस्ट कर चुका है। इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मीठा सोडा। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच दूध। सारी चीज़ों को कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, नहीं तो बेकिंग सोडा का रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। बर्तन अच्छे से प्री हीट हो गया है। मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए किया था। इसमें वायर स्टैंड को रखेंगे। बैटर को टिन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे अच्छे से टैप टैप कर लेते हैं, जिससे कि अंदर से एयर ना रहे। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को ऐड करते हैं। आप टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं और टिन को प्री हीट बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम इसे 50 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और इसे अच्छे से फॉइल से कवर कर देंगे, जिससे कहीं से भी इसकी एयर ना निकले। और आप इसके ऊपर कोई भी प्लेट रख देंगे, जिससे अच्छे से कवर हो जाएगा। 50 मिनट्स हो गए हैं, तो एक बार केक को चेक करते हैं। देखिए केक का कितना अच्छा कलर आया है। साइड से बहुत अच्छा ब्राउन हुआ है और बहुत ही फ्लफी भी बना है। जितना मैंने डाला था उससे जस्ट डबल हो गया है। एक बार नाइफ की हेल्प से इसे चेक करते हैं और देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला हुआ है। इसे मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसके साइड्स को निकालते हुए इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पीछे से थोड़ा सा इसे टैप करेंगे। फाइनली इतना अच्छा केक बनकर तैयार हो गया है। साइड्स इतने अच्छे ब्राउन आए हुए हैं। बटर पेपर को केक के ऊपर से हटा देते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है और कितना फ्लफी बना हुआ है। इसे दूसरे साइड से भी चेक करते हैं। देखिए केक का कितना अच्छा कलर आया है और ये कितना फ्लफी भी है। तो इसके स्लाइस को कट करके चेक करते हैं।
देखिए केक अंदर से भी कितना फ्लफी है, तो हमारा हेल्दी और टेस्टी केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे।